सर उडारिया की बात करें तो आज के एपिसोड में दो दिल दो रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। एकम ने अपना फैसला सुना दिया। एकम ने नहमत से कह दिया कि अब हमेशा हमेशा के लिए तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ जो किया मेरी बहन के साथ किया, इसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूँ, गेट लॉस्ट कहते हुए एकम जो है वो नहमत को धक्का देता है। नहमत जो है वो बिल्कुल ठगी हुई महसूस कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मानो अब वो क्या करे। बहुत समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी बात ना तो एकम और ना ही मलिका कोई नहीं समझ पा रहे हैं। तब तक नहमत को फोन आ जाता है कि नाज ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। यहां पर अभी जो है नहमत संभली ही नहीं थी कि तब तक ये फोन आया। दौड़ते हुए नहमत जो है वो घर पहुंचती है जहां नाज ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और अपने हाथ की नस काटने वाली थी, लेकिन उसे रोक लेती है नहमत और कहती है कि जैसा तू चाहती है मैं वैसा ही करूंगी, मैं अद्वित से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रूपी सिंह आते हैं और सबको कहते हैं कि सब बाहर जाओ, और कहते हैं कि आज वही हो रहा है जो तेजो के साथ हुआ था, तेजो को भी हमारी खुशी के लिए शादी करनी पड़ी थी, लेकिन नहमत मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, एकम तुम्हारा बचपन का प्यार है, तुम उसी से शादी करोगी। लेकिन नहमत मना कर देती रूपी सिंह को और कहती है कि नहीं नानू, सब कुछ खत्म हो चुका है। यहां पर रूपी सिंह एकम को फोन भी लगाना चाह रहे लेकिन नहमत जो है वो मना कर देती है। और इधर अद्वित काफी गुस्से में है कि आखिर नहमत ने शादी के लिए क्यों हाँ की। वाला देखना दिलचस्प है कि जैस्मिन अभी भी लगी हुई है कि दोनों दुल्हन को चेंज कर देगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखना दिलचस्प है कि जैस्मिन का प्लान कैसे फेल होता है।